रुवा देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। लालू प्रसाद के फेमस MY समीकरण के बाद अब राजद A to Z पर परीक्षण कर रही है। इस परीक्षण से राजद को कितना फायदा होगा ये तो आने वाले चुनाव में समझ में आएगा, मगर नीतीश कुमार को इसका घाटा अभी से होना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के कई करीबी सवर्ण नेता, खासतौर पर जो भूमिहार जाति से आते हैं, वो नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं राजद की तरफ, अपनी संभावनाएं भी तलाश करने लगे हैं। वहीं अगर बात करें तो आपको कैसे ही कल रात हमने बताया था कि राजपूत नेताओं का एक अच्छा खासा गुट उठकर NDA से अब तेजस्वी यादव की तरफ जाना चाह रहा है, यानी उनको कहीं ना कहीं अपने समाज और अपने लिए प्रतिनिधित्व दिख रहा है, और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कह दे तो टिकटों के लिए ये आदान प्रदान शुरू हो गया है तो गलत नहीं होगा। मगर नीतीश कुमार की पार्टी में राजपूत और भूमिहार नेताओं का दबदबा कितना रहा है, अगर आप नीतीश कुमार के सोशल मीडिया को समझते हैं तो आप जानते हैं कि कुर्मी जाति के अलावा नीतीश कुमार के पास भूमिहार और राजपूतों का अच्छा खासा जमावड़ा है। इसी जमावड़े को कहीं ना कहीं तोड़ने का और ये जो राजद का पुराना स्कीम ऑफ थिंग्स रहा है जिसके तहत वो MY समीकरण को जोड़कर आगे बढ़ती रही है, उसे आगे बढ़ाते हुए लालू प्रसाद यादव के समीकरण में कुछ और बिंदुओं को जोड़ते हुए तेज प्रताप यादव ने और जगदानंद ने जिस तरह से राजपूत नेताओं को लुभाते हुए उन्हें ऑफर कर दिया है कि वो आ सकते हैं, इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा कहा जा सकता है कि इस लैंड रश जदयू की तरफ से और NDA की तरफ से हो सकता है। इसी में एक नया नाम अब सामने आ रहा है। आपको बता दें कि बंटू सिंह, जो कि अनंत सिंह के सहयोगी हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये बातें कह दी हैं कि वो बहुत गदगद हैं तेजस्वी यादव के कार्यक्रमों से, और वो ये भी कह रहे हैं कि महागठबंधन एकजुट रहेगा। हालांकि आपको बता दें कि मांझी जी इस तरह से नाराज हैं और उनके साथ कुछ दल और भी हैं, ये कहीं ना कहीं साबित कर रहा है कि राजद भी अपनी समीकरणों को इस बार बदलना चाहेगी। और NDA की खास बात करें तो NDA में कुछ लोगों की नई एंट्री होनी दिख रही है महागठबंधन से, मगर वही महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव ने इस 2-3 पार्टियों का जो गुट है उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर कहीं ना कहीं 2-3 समाजों को नए जोड़ने का प्रयास कर दिया। आपको पता है कि भूमिहार समाज से AD सिंह को राज्यसभा भेजकर कहीं ना कहीं राजद ने एक बड़ा दांव खेला है, इससे भूमिहार समाज में काफी उनकी बड़ाई की जा रही तेजस्वी यादव की, और लोग यह भी कह रहे हैं कि राजद अब नए ढर्रे पर चलने की तैयारी में है। इसी बारे में कहा जाता है कि आनंद सिंह जो कि जेल में मौजूद थे उन्होंने मिठाई भी बटवाई थी, कहीं ना कहीं राजद की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर उनका रहा है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव के दौरान भी वो कह रहे थे, और इसके बाद कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन करने के बाद हालांकि उन्हें कांग्रेस ने बहुत सपोर्ट नहीं किया है, ये बात बंटू सिंह ने हमने से बात करते हुए कई बार कहा है कि कांग्रेस जिस तरह से ज्वाइन करने गए थे वो और उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ने गई थी, उसी हिसाब से कांग्रेस ने उन्हें कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं दिया जब उनके खिलाफ नीतीश कुमार की पूरी जांच चल रही थी, उनके पीछे लिपि सिंह पड़ी हुई थी, दिल्ली तक उनको पकड़ा जा रहा था। इस दौरान कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा, और खास तौर पे बात यही है कि इस दौरान लगातार वो अपने आप को महागठबंधन का नेता मान रहे थे, और आज जब चुनाव सामने है और ये फिर पता चल रहा है कि सारे विधायकों को चुनाव लड़ने जाना है, तो ऐसे में अनंत सिंह नई संभावनाओं को तलाश कर सकते हैं, ऐसा इशारा सीधे तौर पर कहा जा सकता है बंटू सिंह ने भी दे दिया है। और अब कई जगहों पर गुप्त रूप से ये बातें चर्चा में भी आ गई हैं कि भूमिहारों को लुभाने के लिए राजद भी ऐसा दाव खेल सकती है, क्योंकि आपको पता है कि अनंत सिंह पुराने सहयोगी रहे नीतीश कुमार के, और नीतीश कुमार की काट के तौर पर इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पूर्व कई ऐसे नेता हैं जो कि नीतीश कुमार से अलग हुए हैं जिन्हें राजद ने मौका दिया है, और आने वाले समय में कई नेता नीतीश कुमार और NDA की तरफ से आने वाले हैं और वो जाकर राजद में अपनी आस्था दिखाने वाले हैं और टिकटों का समीकरण देखकर अपने लिए वहां पर जगह तलाश करने वाले हैं। तो बड़ी खबर यह है कि अनंत सिंह सीधे तौर पर जैसे ही वो चुनाव लड़ने की घोषणा करेंगे, जैसे ही वो चुनाव लड़ने जाएंगे, इस बार राजद की तरफ से अपनी संभावनाएं तलाश कर सकते हैं। मुकामा से जहां से वो चुनाव लड़ते आए हैं उस क्षेत्र से एक बार फिर से राजद के सीट पर वो चुनाव लड़ते हुए दिख सकते हैं। पिछली बार आपको बता दें कि वो निर्दलीय वहां से चुनाव लड़े थे, मगर बंटू सिंह ने जिस तरह से बड़ाई की है तेजस्वी की और जिस तरह की बातें वो तेजस्वी यादव के लिए कह रहे हैं और महागठबंधन के प्रति अपनी इस तरह से आस्था दिखा रहे हैं, हालांकि आपको बता दें कि पूर्व में कांग्रेस के लिए वो बोल चुके हैं कि कांग्रेस ने बहुत सहयोग नहीं किया है, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं संभावनाएं अब बन रही हैं, वो जा सकते हैं राजद की तरफ और राजद के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ते हुए आपको बाहुबली अनंत सिंह दिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए।